हर हर महादेव। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लाहिरी महाशय के घर में क्या देखा। लाहिरी महाशय का घर जो कि बनारस में बंगाली टोला में स्थित है और सिर्फ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर साल में एक बार ही खुलता है। आप यकीन माने, श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है लाहिरी महाशय के घर के दर्शन करने के लिए, जिसमें लोकल्स तो सिर्फ गिने चुने ही थे। सोचिए लोग कितना दूर दूर से आते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, पहले से अपनी प्लानिंग करते हैं सिर्फ लाहिरी महाशय के घर के दर्शन के लिए। उनमें से काफ़ी लोग थे, कम से कम पूरे ही लोग थे। एक क्रिया दीक्षा प्रोग्राम की एक अलग विशेषता है, उसके लिए आए हुए लोगों की आप गिनती मत करिए, ठीक है। लेकिन जो करीब 80% लोग थे वो सिर्फ लाहिरी महाशय के घर के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, भारत के कोनों कोनों से। सोचिए मतलब कितने साल हो गए आप लाहिरी महाशय थे, लाहिरी महाशय के जो पुत्र हुए तीन कोड़ी लाहिरी महाशय, फिर उनके जो सुपुत्र हुए सत्यचरण लाहिरी महाशय, फिर उनके जो सुपुत्र जो अभी शरीर में हैं शिवेंद्रु लाहिरी, और फिर उनके जो पुत्र हैं उज्जवल लाहिरी, जिनसे कि मैंने क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। सोचिए कितनी पीढ़ियाँ हो गई हैं, 1, 2, 3, 4 पीढ़ियों से वो लोग कंटिन्यू चले आ रहे हैं। मतलब दिमाग पर उनके हो सकता है कि उनकी पीढ़ियों में से भी उनके परदादाओं ने लाहिरी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की हो। तो जो दादा दादी नाना नानी के जो किस्से घर में सुनाए जाते हैं ना, उनके दिमाग पर कितनी अमिट छाप रह जाती है कि जो आज की पीढ़ी मतलब किस तरीके से दादा दादी नाना नानी की बातों के माध्यम से अपने इस लीगेसी लाहिरी महाशय की लीगेसी से कनेक्ट कर पा रही है, और सिर्फ उनके घर के दर्शन के लिए वो लोग साल में एक बार आते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार का कुछ एक्साइटमेंट होता है जो मेरे साथ हुआ था कि अरे लाहिरी महाशय के घर के दर्शन करने हैं, वो लोग हर साल लाहिरी महाशय के घर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चूंकि कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में जितनी भी छवि बन पाई है उनके घर की, तो वो मैं आपके साथ बताती हूँ। जैसे ही सबसे पहले हम लाहिरी महाशय जी के घर में प्रवेश करते हैं, तो मेरे राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा स्पेस आएगा जिसमें कि दो शिवलिंग रखे हुए हैं। एंड मेरा अपना बिलीफ सिस्टम कहता है कि वो शिवलिंग बहुत पुराने हैं, जैसे कि वाराणसी के हर घर में पता नहीं किस रिचुअल के तहत शिवलिंग घर में स्थापित किए जाते थे, तो उस घर में भी वो शिवलिंग स्थापित हैं, ठीक है। तो और कोने में तुलसी माता जी लगी हुई हैं, तो ठीक है, उन शिवलिंग महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम ऐसे पैसेज में आगे बढ़ते हैं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक पानी की टंकी आएगी। तो पानी की टंकी जो पहले होती थी ना, कि एक पानी की टंकी एक जो सीमेंटेड एक हॉस टाइप की बनी होती थी और जिसे ऊपर किसी टीन बीन से ढक दिया जाता था, वो पुराने सिस्टम की पानी की टंकी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो किचन आएगा। किचन में अब हमने जो सेट देखे हमें बहुत पुराने लगे, हालांकि इतने पुराने नहीं लगे कि मैं बोलूं कि लाहिरी महाशय के ज़माने के थे, लेकिन वो जो ब्लू कलर का जो डिज़ाइंस था वो अब देखने में नहीं आता, तो इतना मैं कह सकती हूँ एटलीस्ट वो सत्याचरण लाहिरी जी के ज़माने के होंगे, वो वहीं रहते थे तो वो उन चीज़ों को किचन यूज़ में आता था। अब वहाँ पर एक स्लैब पड़ी हुई है। फिर इसके ही सामने जब हम राइट साइड पे देखेंगे तो एक रूम बना हुआ है, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। फिर हम लेफ्ट साइड से ही आगे बढ़ते हैं तो वो जो लाहिरी महाशय का है जो कमरा है वो आ जाता है। उसमें जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जाते हैं तो हमें लाहिरी महाशय जी की चरण पादुकाएँ मिलती हैं दर्शन करने के लिए, तो आपको उनकी चरण पादुका के दर्शन हो जाएंगे। और उस ज़माने की जो एक चीज़ रखी हुई है वो एक लकड़ी की अलमारी है, वो आप देखते ही समझ जाएंगे कि कितनी पुरानी है। और एक लकड़ी का फ्रेम रखा हुआ है, लेकिन उस लकड़ी के फ्रेम में फ़ोटो लगी हुई है सत्याचरण लाहिरी जी की, ठीक है। अब हम जो ऊपर के स्ट्रक्चर पे आएंगे, चूँकि वो बंद है लेकिन एक ऊपर कमरे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकेंड फ्लोर पर एक कमरा बना हुआ है और बाकी छत है। तो अब मैंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा तो हमें अलाउ नहीं कर रहे, मैं पड़ोस के घर में जाके ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाती हूँ, उनके घर की छत से झांकने की कोशिश करती हूँ। तो मैं पड़ोस के घर में गई और उन लेडी से काफ़ी बात की, तो उन्होंने बोला कि कुछ साल पहले तक हमारी छत से हम झांक सकते थे,
उनका जो लहरी महाशय का घर है, उनके घर के जो राइट हैंड साइड में घर है उसकी बात कर रही हूँ, कि वो लेडी बोलती है कि हम कुछ साल पहले तक इनके घर में झांक सकते थे, लेकिन अब इन्होंने एक दीवार खड़ी करवा दी है। सपोज कि लहरी महाशय के घर जो उनसे सटा हुआ है, एक दीवार उन्होंने एक्स्ट्रा बना के उनकी छत से ऊंची खड़ी करवा दी है, तो अब वहां से झांक भी नहीं सकते, तो वहां से भी दर्शन अब सुलभ नहीं रह गए। और जो लहरी महाशय के घर के लेफ्ट हाउस में वो घर है वो खाली पड़ा हुआ है, और जो लहरी महाशय के घर के सामने के दो घर हैं वो खाली हैं। तो मतलब हमें तो ऐसे लगा कि लहरी महाशय उनकी खुदी की इच्छा है कि भाई ये शांतिपूर्ण ढंग से रहने की, नहीं तो अगर आप उस गली में जाएंगे, वो गली इतनी पॉपुलर है, बंगाली टोला इतना कमर्शलाइज्ड हो गया है, बनारसी जरी की इतनी शॉप्स खुली हुई हैं, इसके अलावा वहाँ पे मॉमडन आबादी भी बहुत है, तो उनके अपना सारा जरी बरी का काम है। तो मतलब आपको लगेगा कि इतनी कंजेस्टेड गलियों में ये इतनी प्राइम लोकेशन पे, और ये तीन घर खाली हैं सिर्फ और बाकी सारे घर बने हुए हैं, तो ये अपने आप में एक ताज्जुब की बात है, कश्म से कम नहीं है जो कि आप देखेंगे। तो इस तरीके से है, बाकी लहरी महाशय की समाधि के दर्शन आपको आराम से हो जाएंगे। जो उनका समाधि स्थल है वो उनके ओरिजिनल हाउस से ही 100-200 मीटर की दूरी पे है, बिल्कुल स्ट्रेट जाकर ही है, और जहाँ पे लहरी महाशय की समाधि स्थित है उसे सत्यालोक कहते हैं, और जो आजकल क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है वो भी सत्यालोक में ही दी जाती है। लेकिन जब हम जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते हुए आए थे, तो हमें एक जो रेफरेंस याद आता है कि भाई महावतार जी बाबा जी उस घर में आया जाया करते थे, तो ऑटोमेटिक जो झुकाव है, जो जुड़ाव है, वो लहरी महाशय के ओरिजिनल हाउस से ही हमें ज़्यादा रहता है। और उस मकान से ऐसी वाइब्स आती है। सोचिए कि जब मैं पहले दिन गई तो घर का ताला बंद था, लेकिन आप और उस मकान के बाहर जो दो घर बने हुए हैं उनका एक चबूतरा बना हुआ है, तो मतलब उस मकान ने जैसे मुझे ना अपनी जकड़ में ले लिया, तो मैं वो बाहर मकान के बाहर बने चबूतरों पर एक दो घंटे बैठी रही आंखें मूंद कर, और ऊपर ना सेकंड फ्लोर की कमरे की ओर झांकती रही। सेकंड फ्लोर के कमरे पे जैसे कि आजकल के ज़माने में होती है ना कि विंडो होते हैं, उनके सिर्फ दो डोर्स होते हैं, लेकिन वो जो विंडो थी वो 1, 2, 3, 4 पार्ट में थी, मतलब ऐसे ऐसे करके 4, तो मतलब 8 विंडो थी उस टोटल विंडो वाले पैनल्स में। तो मुझे लगा कि भाई अब बस लहरी मैं यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करूँगी और लहरी माँ से बस ये विंडो खोल देंगे और मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभूतपूर्व अनुभव था, और कुछ इसलिए भी कि मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। तो जब आप ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आपकी लाइफ में हो जाता है तो आप उसे गॉड गिफ्ट समझते हो और अपने आप को ब्लेस्ड मानते हो, भले ही ये आपका क्या कहें ख्याली पुलावी क्यों ना हो। ठीक है, आप सबसे सभी से अनुरोध है कि आप जब कभी बनारस जाएं तो लहरी महाशय के घर और लहरी महाशय के समाधि स्थल के दर्शन करना ना भूलें। और ये जो है एक बार फिर से बता दूँ, अब गदौलिया चौक, पुराना गदौलिया चौक वाराणसी में बहुत फेमस है, हर इंसान जाता है काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए तो वो गदौलिया चौक ही आता है। तो गदौलिया चौक से आप 500 मीटर की डिस्टेंस पे आपका बंगाली टोला है और एक स्ट्रीट गली जाती है जो लहरी महाशय के घर और लहरी महाशय के समाधि स्थल यानी कि सत्यालोक की तरफ जाती है। और जब आप गदौलिया चौराहे से बंगाली टोला की ओर जाएंगे तो रोड पर आपको एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आ जाएगा जिसे कहते हैं श्यामाचरण लहरी बार, तो आराम से आप जा सकते हैं और आप गूगल मैप से भी जा सकते हैं, बहुत ईजी है, और बनारस की गलियों में आप भटकेंगे नहीं। और बनारस की गलियों में आप भटक भी गए तो आपको ऐसी कुछ अनोखी सी चीज़ से मुलाकात हो जाएगी जैसे कि आप जीवन भर याद रखेंगे। हर हर महादेव। मैं बहुत कुछ सोच कर रहा हूँ ये बात। जी क्या बात बोली आपने? ईश्वर के तरफ ध्यान देने के लिए आजकल लड़कों का मन इसे भड़क जा रहा है इसी बात से। बाबा जी आपने लहरी महाशय को देखा था क्या? ना
आपके पिताजी ने पहले के पुराने हैं। आपके पिताजी ने ना मेरे पिताजी के पिताजी ने देखो बेटा बोलो देखे होंगे या किंतु ये तो खाली 100 साल से ऊपर कहाँ बातें तो सुनी होंगी ना इस घर के बारे में। देखो बेटा मैं अपना जो भगवान के ऊपर अपना प्रैक्टिकल ये करके मैं अधिकतर क्या है कि 60 साल के बाद भी लोग विशेष भगवान के ऊपर दुखाव करते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। भगवान पर विश्वास करना भगवान नाम लेना ऐसी चीज़ है जो कि तुमको सब दुष्कर्म सारे चीज से माफ करता है। सही बोल रहे हैं।